वेलकम बैक। इस क्वेश्चन में हम लोग को एक बेंजाल्डिहाइड दिया हुआ है और रिएजेंट में कॉन्सेंट्रेटेड OH माइनस दिया हुआ है। पूछ रहा है कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन में इसका इक्विवेलेंट वेट क्या होगा। सो देखो, पहले हम लोग को पता करना होगा ये रिएक्शन क्या है। तो देखो, ये बेंजाल्डिहाइड है और ये कॉन्क OH माइनस है। तो हम लोग को पता होता है एल्डिहाइड OH माइनस के साथ दो रिएक्शन देता है। एक होता है एल्डोल कंडेंसेशन, दूसरा होता है कैनिजरोज रिएक्शन। यहाँ पर कैनिजरोज रिएक्शन मिलेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं, बिकॉज दिस एल्डिहाइड हैज नो अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर नो अल्फा हाइड्रोजन और यहाँ कंसंट्रेटेड OH माइनस, सो दिस इज गोइंग टू गिव यू कैनिजरोज रिएक्शन। सो देखो, कैनिजरोज रिएक्शन में क्या होगा, एक ऑक्सीडाइज हो जाएगा, दूसरा रिड्यूस हो जाएगा। सो हम लोग क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलता है, एसिड मिलता है, ये हम लोग को पता होता है। जब अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो कैनिजरोज रिएक्शन होता है और दिस एल्डिहाइड इज ऑक्सीडाइज टू कार्बोक्सिलिक एसिड एंड रिड्यूस टू अल्कोहल। यहाँ पर दो मॉलिक्यूल यूज होगा। तो अब देखो, हम लोग को तो ये रिएक्शन के बारे में इक्विवेलेंट वेट पूछा है, तो देखो वो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आपको समझना होगा ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है ये? डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है ये। तो डिसप्रोपोर्शनेशन में क्या हुआ है, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हुआ है, दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस हुआ है। तो हम लोग देखो इसको करेंगे क्या, हम लोग इस टू बेंजाल्डिहाइड को लिखेंगे, बेंजाल्डिहाइड प्लस बेंजाल्डिहाइड लिख सकते हैं ना, दो था तो इसको क्या किए, बेंजाल्डिहाइड प्लस बेंजाल्डिहाइड, टू बेंजाल्डिहाइड की जगह। फिर हम लोग बोलेंगे कंसंट्रेटेड OH माइनस लेने से आपको ये मिला, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आयनिक फॉर्म में रहेगा क्योंकि एसिडिक बेसिक मीडियम है, और ये इसमें चला। ठीक है, अब हम लोग बोल सकते हैं कि लेट दिस मॉलिक्यूल इज ऑक्सीडाइज्ड एंड दिस मॉलिक्यूल इज रिड्यूस्ड। तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में आपको एन फैक्टर पहले पता करना होगा, उसके बाद हम लोग मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे। सो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर पता करते हैं इस वाले कार्बन का। तो इस वाले कार्बन में हम लोग क्या देख रहे हैं, इधर क्या है कि कार्बन कार्बन, सो यहाँ पर वन इलेक्ट्रॉन इसको, तो नो गेन नो लॉस फ्रॉम दिस बॉन्ड। यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और यहाँ पर दिस कार्बन विल गेन वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन। देखो ये ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना जो है ना, वो आपका मोल कॉन्सेप्ट या रिडॉक्स रिएक्शन में हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपको डाउट है तो। यहाँ पर इसका आपका ऑक्सीडेशन नंबर आएगा, मैं यहाँ पर ला थोड़ा मैग्नीफाई करके आपको दिखा दे रहा हूँ बड़े में। अगर आपको इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो आप बोलेंगे ये कार्बन एक इसको मिलेगा, एक इसको मिलेगा, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन एक इसको मिलेगा, एक इसको मिलेगा, बिकॉज यहाँ भी कार्बन कार्बन दोनों इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इवन स्प्लिट। यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को मिले हैं बिकॉज कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, और यहाँ पर ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को मिलेंगे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिलेगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, कार्बन लूजेस टू इलेक्ट्रॉन एंड गेन्स वन इलेक्ट्रॉन, यहाँ से गेन करेगा, तो एक्चुअली इसका आप देखेंगे तो आएगा प्लस वन। सो दिस कार्बन ऑक्सीडेशन स्टेट इज प्लस वन। उसी तरीके से यहाँ निकालिए, नो लॉस नो गेन, वन लॉस टू लॉस थ्री लॉस प्लस थ्री। अब यहाँ निकालते हैं, वन गेन टू गेन, नो लॉस नो गेन, वन लॉस, तो यहाँ पर आएगा आपका माइनस वन, करके देखिए माइनस वन है। तो आई विल से दिस इज ऑक्सीडाइज एंड दिस इज रिड्यूस। नाउ ऑक्सीडाइज में इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कितना है,
टू इलेक्ट्रॉन लॉस्ट, रिड्यूस में क्या हुआ टू इलेक्ट्रॉन गेन। देखिए माइनस वन से प्लस वन आ गए, सॉरी प्लस वन से माइनस वन, टू इलेक्ट्रॉन गेन। सो देखो डिसप्रोपोर्शनलिटी रिएक्शन में एन फैक्टर कैसे निकलता है, वन बाय एन फैक्टर ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, मतलब नेट रिएक्शन पूरे रिएक्शन का एन फैक्टर इज वन बाय एन फैक्टर ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस वन बाय एन फैक्टर ऑफ रिडक्शन, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका वन बाय एन फैक्टर ऑक्सीडेशन का टू, रिडक्शन का भी टू, तो वन बाई टू प्लस वन बाई टू, तो आपका एन फैक्टर आएगा वन बाय एन फैक्टर है वन, मतलब एन फैक्टर क्या हो गया नेट रिएक्शन का वन। सो आपका इक्विवेलेंट मास हो जाता है मॉलिक्यूलर मास बाय दिस एन फैक्टर, ये एन फैक्टर कितना आ रहा है वन आ रहा है, सो दिस इज इक्वल टू बाई वन। तो मॉलिक्यूलर मास इसका निकालिए बेंजाल्डिहाइड का 106 आएगा, तो 106 बाय 1 मतलब 106। तो इस तरीके से हम लोग का इक्विवेलेंट मास 106 आया। ठीक है, देखो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का इक्विवेलेंट वेट इसी तरीके से निकलता है, पहले आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का निकालिए, इलेक्ट्रॉन गेन इलेक्ट्रॉन लॉस, तो ये ऑक्सीडेशन का एन फैक्टर है, ये रिडक्शन का एन फैक्टर है, दोनों का रेसिप्रोकल इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ नेट रिएक्शन। ठीक है, या एक और तरीका होता है दोनों मतलब इसी के जैसा है, उसमें करते क्या है हम लोग लिखते एम इक्विवेलेंट मास ऑफ नेट रिएक्शन इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस इक्विवेलेंट मास ऑफ रिडक्शन, मतलब आप इस रिएक्शन का इक्विवेलेंट मास निकालिए, इस रिएक्शन का इक्विवेलेंट मास निकालिए, दोनों को ऐड कर दीजिए, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा एम बाई टू आएगा, इसका कितना आएगा एम बाई टू आएगा। सो नेट क्या हो जाएगा, दिस इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्सीडेशन हाफ और दिस इक्विवेलेंट मास ऑफ रिडक्शन हाफ, दोनों का समेशन। तो वहाँ से क्या आ रहा है इक्विवेलेंट मास नेट रिएक्शन का, ऑक्सीडेशन का कितना आया एम बाई टू आया, रिडक्शन का कितना आया एम बाई टू आया, फाइनली क्या आया एम बाई वन ही तो हो गया ना, तो दोनों तरीके से एक ही आंसर आ रहा है। तो इस पर्टिकुलर बेंजाल्डिहाइड का कैनिजरोज रिएक्शन कराएंगे तो इक्विवेलेंट मास एम बाई वन आ रहा है, दैट इज 106 आएगा। ठीक है, थैंक यू।